दोस्तों, अगर आप अपने चेस्ट मसल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना चाहते हो, उसे एक मस्कुलर शेप में लाना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करने के बाद आप अपने चेस्ट मसल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाओगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज की ओर, जिसे हम बोलते हैं बेंच प्रेस। बेंच प्रेस हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यह एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हमें करना होता है 3 सेट 12 रिपीटेशन। उसके बाद आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज की ओर, जिसे हम बोलते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस को चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। यह एक्सरसाइज आपकी अपर चेस्ट को काफी तेजी से ग्रो करता है। हमारी जो चेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हमारी अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए। अगर आप इस एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म कर लेते हो तो आप भी अपने अपर चेस्ट को काफी तेजी से ग्रो कर पाओगे। उसके बाद आते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की ओर, जिसे हम बोलते हैं इंक्लाइन बारबेल प्रेस। इंक्लाइन बारबेल प्रेस में कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो अपर चेस्ट है वो काफी तेजी से ग्रो होता है। यह एक्सरसाइज आप जैसे ही परफॉर्म करना शुरू करोगे, देखोगे कि आपकी जो अपर चेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा और आपकी जो सीना है वो बहुत ज्यादा मस्कुलर लगेगा। तो इस एक्सरसाइज को हमें करना है 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की ओर, जिसे हम बोलते हैं डंबल लो फ्लाई। डंबल लो फ्लाई हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यह एक्सरसाइज आपकी आउटर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप अपने सीने को मस्कुलर दिखाना चाहते हो तो आपको अपनी आउटर चेस्ट को ट्रेन करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज में हमें करना है 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज की ओर, जिसे हम बोलते हैं केबल फ्लाई। केबल फ्लाई हमें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। यह एक्सरसाइज आपकी लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना शुरू करोगे, देखोगे कि आपकी जो लोअर चेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा और काफी ज्यादा मस्कुलर बनता जाएगा। इस एक्सरसाइज को हमें करना है 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं हमारी आखिरी एक्सरसाइज की ओर, जिसे हम बोलते हैं चेस्ट डिप्स। चेस्ट डिप को बहुत अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी चेस्ट के साथ साथ आपकी ट्राइसेप्स मसल को भी काफी तेजी से ग्रो करता है। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे, देखोगे कि आपकी जो लोअर चेस्ट है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज में आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस एक्सरसाइज को जब भी परफॉर्म करो, आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आप जितना ज्यादा धीरे करोगे, यह एक्सरसाइज आपके लिए उतना ही ज्यादा कारगर होगा। इस एक्सरसाइज में हमें करना है 3 सेट 12 रिपीटेशन के। अगर आप इन सभी एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप कुछ ही समय के अंदर आपकी जो सीना है, आपकी जो चेस्ट है, उसे ग्रो कर पाओगे, उसे एक मस्कुलर शेप में ला पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।